Hello world, my name is Vaseem. I am a full stack web developer. Welcome back to the logic building series with C language. इस वीडियो के अंदर हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे. इस प्रॉब्लम में भी हमारे सामने मल्टीपल ही कंडीशंस होंगी, ठीक है. तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से, राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ए ट्रांजेक्शन. बेसिकली ट्रांजेक्शन, अब देखो प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई, बट हमें अगेन सबसे पहले प्रॉब्लम का जो बेस है वो समझना है. तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ ट्रांजेक्शन, इसका क्या मतलब होता है? जब भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं बाजार से, तो जाहिर सी बात है कोई दुकानदार अगर आपको बेचेगा कोई सामान, फॉर एग्जांपल आपने जैसे ये कीबोर्ड देख रहे हैं, आप ये कीबोर्ड खरीदने गए. अब यहाँ पे इस कीबोर्ड की जो प्राइस है दुकानदार को परी, दुकानदार के लिए वो प्राइस थी 500, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, और वो दुकानदार आपको वो कीबोर्ड 700 रुपये में बेचता है, मीन्स सेलिंग प्राइस. तो मतलब ये कि दुकानदार ने जाहिर सी बात है 200 रुपये का प्रॉफिट बनाया. तो अगर वो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो इट मींस दुकानदार प्रॉफिट में रहा. अगर दुकानदार ने वो जो सेलिंग प्राइस है वो 400 में होता, फॉर एग्जांपल आपको वो आइटम 400 रुपये में दे देता, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे वो लॉस में जाता 100 रुपये से. और अगर आपको 500 में ही दे देता वो कीबोर्ड, तो उस केस में ना ही प्रॉफिट होता और ना ही लॉस होता. तो यहाँ पे हमारे सामने तीन कंडीशंस आ गई, प्रॉफिट लॉस एंड नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट. तो अब इसको हम प्रोग्रामेटिकली किस तरीके से हैंडल करेंगे वो देखते हैं, ठीक है. सबसे पहले हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, फॉर द कॉस्ट प्राइस एंड फॉर द सेलिंग प्राइस, ठीक है. हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए. मैं इंटीजर टाइप के कर रहा हूँ, अगर आप फ्लॉट टाइप के भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज ट्रांजेक्शन है जनरली जो वैल्यूज होती हैं अमाउंट की जहाँ पर बात आती है, वो जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पर भी ट्रांजेक्शन होता है, जहाँ पर भी पैसों का मामला आता है, वहाँ पर ज़्यादातर जो वैल्यूज होती है वो फ्लॉट में होती है, ठीक है. बट हम एक राउंड फिगर लेके चल रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल्स लिए और मैं उसके बाद इन दोनों के अंदर वैल्यूज़ इनपुट करवा लेता हूँ. तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, कॉस्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस की, ठीक है. अब हमारे सामने होगी तीन कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन होगी प्रॉफिट के लिए, फिर लॉस के लिए, और फिर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस के लिए. तो जब कंडीशंस होगी तो अगेन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ स्टेटमेंट को. इफ के अंदर आपको वो रिलेशन डिफाइन करना है जिस भी रिलेशन से आप मैच करना चाहते हैं, ठीक है. अभी यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है या नहीं, राइट, मींस ग्रेटर देन है या नहीं. तो उस केस में मैं क्या यूज़ करूँगा, एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, मीन्स सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन है क्या कॉस्ट प्राइस के. अगर है तो वेल एंड गुड, इट मींस वी आर इन द प्रॉफिट. तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा और एंड करूँगा और आ जाऊँगा इफ ब्लॉक के अंदर. ये ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, जब हम ये हमारी जो ये कंडीशन है वो ट्रू होगी, राइट. तो यहाँ पे आके मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा, इंट प्रॉफिट, पी फॉर प्रॉफिट, एंड यहाँ पे मैं सिंपली एस पी माइनस सी पी कर दूंगा, ठीक है. इस P के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, और इसको हम प्रिंट भी कर देंगे, ठीक है. प्रिंट एफ, सबसे पहले तो स्लैश इन, यू आर इन प्रॉफिट विद परसेंटेज डी एंड P, ठीक है. अब यहाँ पे मैंने P को यहाँ क्यों डिफाइन किया, इसका एक रीज़न है. इसका रीज़न ये है कि अगर हमारा इफ ब्लॉक ट्रू होगा, हम प्रॉफिट वाले स्टेट में आएंगे, ब्लॉक में आएंगे, तभी तो हमें उस वेरिएबल की ज़रूरत है. अदरवाइज हमें उस वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम क्यों फालतू का मेमोरी के अंदर स्पेस कंज्यूम करें, राइट. अब अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इट मींस अब हमारे पास दो कंडीशन और बचती है, एक तो लॉस वाली और दूसरी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली. तो उस केस में हम अगेन फिर से एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे तो इफ स्टेटमेंट ही, बट इस बार हम यूज करेंगे एल्स इफ को, ठीक है. ये बेसिकली मैं लैडर इफ एल्स को यूज कर रहा हूं. इस कॉन्सेप्ट को यूज करने का फायदा ये होता है कि जब आपकी मल्टीपल कंडीशंस होती है और आपको पता है कि उन सभी कंडीशंस में से एक ही कंडीशन चलेगी, एक ही कंडीशन ट्रू होगी, तो आप इस तरीके के कॉन्सेप्ट को यूज करें. जहाँ पे आपको लगता है कि मल्टीपल कंडीशन से मल्टीपल कंडीशंस भी ट्रू हो सकते हैं, तो उस केस में आप बार बार इफ यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो मैं इसको लैडर इफ एल्स से कर रहा हूँ. अब यहाँ पे मैं एस पी माइनस सॉरी सी पी को चेक करूंगा एस पी से, मीन्स हमारी कॉस्ट प्राइस जो है वो अगर सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कि दुकानदार जो है वो लॉस में रह रहा है, राइट. तो इस केस में मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, लॉस कैलकुलेट करूँगा, राइट. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सी पी माइनस एस पी मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो इस बार हम प्रॉफिट में तो है नहीं, तो यहाँ पे मैसेज क्या आ जाएगा, यू आर इन लॉस विद एल. जो भी हमने लॉस कैलकुलेट किया वो एल के अंदर आ गया और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है. अब अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा बचता है नो प्रॉफिट एंड नो लॉस. तो उसको मैं डायरेक्ट विदाउट एनी कंडीशन एल्स में रख सकता हूँ, बिकॉज अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा नहीं है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि आपने जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस के इक्वल है. तो यहाँ पे उस केस में हम सिंपली क्या प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट्स इट. ये इतना सा हमारा प्रोग्राम है. लास्ट में आके हम क्या कर देते हैं, रिटर्न
0, दैट्स इट। अब इस प्रोग्राम को हम करते हैं रन, टर्मिनल में ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं सिंपली एग्जीक्यूट करूँगा। सबसे पहले तो एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड है हमारी GCC फोल्डर नेम मल्टी कंडीशंस, फाइल नेम है हमारा first.c, उसके बाद मैंने कंडीशन लिखा कॉल डॉट कॉलन ए डॉट आउट। तो एंटर कॉस्ट प्राइस, मैंने एंटर कॉस्ट प्राइस रखा फॉर एग्जांपल 500। एंटर सेलिंग प्राइस, मैंने प्राइस रखा 700। तो यू आर इन प्रॉफिट विद 200, राइट। स्लैशेस मुझे आई बिलीव यहाँ पे भी लगाने पड़ेंगे, परसेंटेज डी के बाद में स्लैश एन, इसको मैं कॉपी करके बाकी के स्टेटमेंट्स में भी लगा देता हूँ, स्लैश एन और यहाँ पे स्लैश एन। अब इसको अगेन हम एग्जीक्यूट करते हैं GCC first.c एंड ए डॉट आउट। अब अगेन मैं प्राइस रखूँगा फॉर एग्जांपल 100, इस टाइम मैंने सेलिंग प्राइस रखा फॉर एग्जांपल 80, तो यू आर इन लॉस विद 20, राइट। अब हम अगेन एक कंडीशन और चेक कर लेते हैं जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली होगी। मैंने रखा कॉस्ट प्राइस 50, सेलिंग प्राइस भी 50, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये सिंपल सा हमारा लॉजिक चल चुका है, ठीक है। हमारी जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसी प्रोग्राम को आप किससे ट्राई करो, नेस्टेड इफ एल्स से, ठीक है। यहाँ पे हमारे सामने तीन कंडीशन हैं, तो इसको नेस्टेड इफ एल्स से ट्राई करो। अगेन आई एम सेइंग कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे सामने होगी तो आप जितने तरीकों से, जितने वेद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उतनी ज़्यादा लॉजिक बिल्डिंग की स्किल जो है वो डेवलप होगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, प्लेलिस्ट को अगर बुकमार्क नहीं किया तो ज़्यादा सोचो मत, वो भी कर लो, बिकॉज ये जो प्लेलिस्ट है, ये जो सीरीज़ है, वो काफ़ी लंबी चलने वाली है। प्रॉब्लम्स जो हमारे सामने हैं उनका लेवल भी हम अप करेंगे, आगे हम फोर लूप्स, वाइल, एरे, स्ट्रिंग, इन सब के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो लॉजिक बिल्डिंग की स्किल है वो डेवलप होगी ही होगी, ओके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अच्छा हाँ, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल ट्राई टू यूज़ दैट इन एनी न्यू वीडियो, ओके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।